इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा एडवोकेट अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कानपुर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री नरेश चंद्र त्रिपाठी से मुलाकात कर उनके समर्थन पत्र सौंपा और कानपुर बार अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा एडवोकेट व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मोहन श्याम शर्मा जी को शाल एवं मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा एडवोकेट द्वारा समर्थन पत्र सौंपने के लगभग आधा घंटे बाद जिला जज प्रकरण में जिला जज संदीप जैन का ट्रांसफर लखनऊ किए जाने की माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संबंधी पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा एडवोकेट ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष कानपुर नरेश चंद्र त्रिपाठी जी को समर्थन दिए जाने के बाद जिला जज के ट्रांसफर के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जो अधिवक्ता हित में अधिवक्ताओं की जीत है और संपूर्ण हिंदुस्तान के अधिवक्ता हित के लिए इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन संघर्षरत है। और श्री शर्मा ने बताया कि बहुत जल्द संपूर्ण भारतवर्ष में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम जारी होकर रहेगा, चाहे इसके लिए इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े और इसके लिए संगठन के अधिवक्ता सड़क से लेकर संसद तक अपनी जंग जारी रखेंगे और शीघ्र ही अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में जारी कराकर रहेंगे। उपरोक्त प्रतिनिधि मंडल में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मोहन श्याम शर्मा, महासचिव अवधेश पांडे, चौधरी सरदार सिंह, वीरेन्द्र श्रीवास्तव सहित सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।